समस्तीपुर में पुलिस ने प्रेमिका से इंतकाम ले रहे शख्स को गिरफ्तार किया है। वो उसे बर्बाद करने पर तुला था, क्योंकि परिवार वालों ने उसकी प्रेमिका की दूसरी जगह शादी करा दी और प्रेमी को लंबे समय तक भनक नहीं लगने दी। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी हो जाने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका के साथ पूर्व का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने उस प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर पुलिस ने यह गिरफ्तारी बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना क्षेत्र से की है। गिरफ्तार आरोपी प्रेमी अगापुर निवासी रामचंद्र राय का पुत्र राम बाबू कुमार यादव है। मुख्यालय डीएसपी अमित कुमार का कहना है कि दलसिंहसराय थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की का बेगूसराय जिला अंतर्गत मंसूरचक निवासी राम बाबू कुमार यादव से प्रेम था। दोनों लगभग 3-4 सालों तक प्रेम संबंध बना रहा। फिर वो समय भी आया जब परिवार वालों ने लड़की की शादी दूसरी जगह पर कर दी। लड़की की शादी की जानकारी काफी दिनों बाद लड़के को मिली। लड़की की शादी की खबर मिलने से नाराज राम बाबू ने उक्त लड़की के साथ बिताए पल के वीडियो और फोटो को वायरल कर दिया। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपी प्रेमी ने अपने पिता के नाम से एक फर्जी आईडी बनाया और लड़की का फोटो और वीडियो अपने और पिता की आईडी से वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलते ही उस युवती ने सबसे पहले साइबर थाने में जून महीने में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होते ही इंस्पेक्टर कृष्णा प्रसाद व दारोगा फैजुल ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पाया गया कि राम बाबू ने अपने और अपने पिता के आईडी से लड़की का फोटो और वीडियो वायरल किया था। जांच के दौरान मामला सत्य पाया गया, जिस वजह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम बाबू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिस मोबाइल से सोशल साइट चलाया जा रहा था, पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। कौन मामले में पत्नी को फोटो छोड़े हैं आपके पास? मुंशी में पत्नी का फोटो छोड़ दिया फेसबुक पर? हैं फेसबुक पर काहे के लिए? मेरा अपना पत्नी है ना। हाँ, इसीलिए छोड़े हैं। पत्नी केस कर दी? हाँ। क्या केस कर दी? केस किया जो मतलब वो अपना दूसरा शादी कर लिया। अच्छा, हमको पर केस कर दिया। अच्छा, वो दूसरा शादी कर ली तो तुम फोटो वायरल कर दिया? हाँ, वो 3-4 लड़का फंसा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? राम बाबू। घर कहाँ है? आगापुर। पत्नी दूसर ब्याह कहाँ की? वो हम नहीं जानते हुए। पत्नी का क्या नाम था? गनीता कुमारी। फोटो कब वायरल किया था? हो गया है एक साल। हाँ, एक साल भर हो रहा है। ये मामला है दिनांक 6/6/2023 को, वादी जो है अखिलेश राय के द्वारा एक मामला हम लोग को संज्ञान में आया था, जिसमें अभियुक्त राम बाबू राय जो मंसूरचक बेगूसराय का रहने वाला है, उसके द्वारा एक महिला को बदनाम करने के नियत से फेसबुक पे 2-3 अकाउंट से फोटो वायरल किया जा रहा था, जिसका संज्ञान में आते ही साइबर थाना में कांड संख्या 1/23 दर्ज किया गया, जिसके अनुसंधानकर्ता जो है कम से कम पुलिस निरीक्षक रैंक के होते हैं, इसीलिए पुलिस निरीक्षक कृष्णा प्रसाद को अनुसंधानकर्ता बनाया गया। और इसमें टेक्निकल अनुसंधान की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें फेसबुक से सारा डिटेल लेना बहुत सारा चीज़ें टाइम लगता है, तो उसके लिए टेक्निकल यंग ऑफिसर जो है सब इंस्पेक्टर फैजुल अंसारी को असिस्टेंट आईओ बनाया गया, जो हम लोग का सारे केस में ऐसा प्रावधान है कि एक असिस्टेंट आईओ साइबर थाना में रहेगा। तो जब जो इसको हम लोग संज्ञान में आने के बाद जो मानवीय सूचना के आधार पे जो आरोपी है राम बाबू कुमार यादव था, उसका तो पता चल गया था, लेकिन इसको सत्यापित करने के लिए, क्योंकि जो फेसबुक अकाउंट होता है वो किसी अन्य नाम से होता है, गौरव राज के नाम से था और भी 2-3 नाम से था, तो उसको सत्यापित करने के लिए हम लोगों ने जब जो डिटेल मंगाया तो उसमें जो मोबाइल यूज हुआ था वो IMEI, वो फेसबुक का जो आईडी है उसमें कौन सा फ़ोन यूज हुआ था वो यूजर आईडी, सारा चीज़ सत्यापित करने के बाद 2 अकाउंट का पता लगा, जिसमें राम बाबू कुमार के द्वारा ही वो मोबाइल बरामद किया गया, और एक दूसरा अकाउंट भी चल रहा था, वो मोबाइल उसके पिताजी राम बाबू के पिताजी के नाम से अंकित था, वो भी फेसबुक अकाउंट राम बाबू यादव के द्वारा ही चलाया गया था। इस तरीके से ये पूरे अनुसंधान के क्रम में ये घटना सत्य प्रतीत पाई गई, उसको आज कल गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजी जाएगी। इसमें छापेमारी दल में हमारा जो है नेतृत्व पुलिस निरीक्षक कृष्णा प्रसाद थे, अनुसंधानकर्ता में फैजुल अंसारी सब इंस्पेक्टर AIO थे, बाकी अशोक कुमार सब इंस्पेक्टर और ब्रजेश कुमार सिंह, ये तीनों सब इंस्पेक्टर छापेमारी दल में थे और इन लोग के द्वारा बढ़िया से काम किया जा रहा है। ये महिला से जिसका तस्वीर वायरल हो, ये इसकी पहली पत्नी थी? इसमें बताना चाहेंगे कि हुआ क्या था कि इन दोनों के बीच में प्यार था पहले से, रिलेशनशिप में थे ये लोग,
लेकिन जब जो महिला का शादी फिक्स हुआ तो वो रामबाबू यादव को नहीं बताया। रामबाबू यादव को जब जो नहीं बताया तो जब जो उसका शादी हो गया तो वो गुस्से में आकर के उसका मॉर्फ वीडियो, जैसे शादी वाला फ़ोटो है अपने साथ पुराना जो साथ में रह रहा वो वाला फ़ोटो, ये सारे फ़ोटो इसको ले करके फेसबुक पे उसको बदनाम करने की नियत से, ताकि उसका शादी टूट जाए फिर हमारे साथ आ जाए, इसके नियत से उसके द्वारा अपलोड किया गया। ऐसे जो रामबाबू यादव है उसकी ऑलरेडी शादी अब हो चुकी है।